हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जिसके कल की वीडियो में फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए थे सेक्शन ए के, और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे सेक्शन ए अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का इलेवंथ क्वेश्चन है वो है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। So we have given here marks and number of students. So marks are given in the form of less than 10, less than 20, less than 30, less than 40. So इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इसके इंटरवल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो इस तरह से हमें दिया गया less than 20 का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये 0 to 10 लिखेंगे, और 0 to 10 कितना है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, 3 स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम देखें तो 10 to 20, और 10 to 20 में कितनी है, तो देखो ये जो 12 है ना, ये 3 और जो 10 to 20 में जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों का जो सम है वो हमें दिया हुआ है 12। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आएगी, 12 माइनस यहाँ से 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 12 के नीचे, ये कितनी है 9, और ये क्या इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, ये जैसे ये बना 0 to 10, तो ये बनेगा हमारे पास 10 to 20, और सिमिलरली ये बन जाएगा 20 to 30, ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो 27, अब देखो 27 में क्या होगा, 3 plus 9, ये तो है 3, ये प्लस 9 और प्लस समथिंग कुछ भी होगा, तो इसे 27 बनेगा। तो इसका मतलब कि 12, अगर 3 plus 9, 12 माइनस करते हैं 27 में से, तो ये कितना आएगा, 15। और इसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो जो 57 है ये क्या होगा, 3 plus 9 plus 15 plus something, जो भी होगा। तो 57 में से क्या करना है हमने, 27 को माइनस कर दो, क्योंकि इन तीनों का जो सम यहाँ तक कितना है 27, तो 27 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 30। और इसी तरह से 75 में से क्या माइनस करना है, 57 को माइनस कर दो, तो 57 plus 18 होता है 75, तो ये आ गया 18, और 80 में से हम माइनस करेंगे 75, तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से जो इंटरवल बने हैं वो क्या बनाए, ये तो हो गया जो लेस देन 40 है, इसको हम लिखेंगे 30 to 40, ठीक है, 32 क्या लिखेंगे उसको, 30 to 40, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। और जो लेस देन 50 है ये वाला, इसको क्या लिखोगे, 40 to 50, और जो लेस देन 60 है उसको लिखेंगे हम 50 to 60। तो अगर मैं न्यू एक बनाऊँ, इंटरवल बनाऊँ ना, इसमें जो न्यू टेबल बनाऊँ इसको अगर इसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास इस तरह से बनेगा। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, एंड देन 60 to 70, और लास्ट में आएगा 70 to 80। और इसकी मैं न्यू फ्रीक्वेंसी लिखूँगा, ये वाली देखो, 3, फिर 9, फिर 15, फिर आ जाएगा 30, 15 के बाद 30, फिर आएगा हमारे पास 18, और फिर आएगा 50। और इसमें ना मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख लिया ये वाला, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पास, ये इंटरवल है ही नहीं, 60 तक ही है, इसलिए यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना, अब देखो मॉडल क्लास अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे देखते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो इसमें क्या बन रही है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 30, और 30 के जो सामने क्लास होती है उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो इस तरह से आप मॉडल क्लास फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, जो अगर आपको इस तरह का डाटा दिया हो लेस देन 10, लेस देन 20। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब 12th क्वेश्चन देखो, द कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और वो हमको दिया नहीं गया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हमने फाइंड करना है, तो पाई की वैल्यू आप ले सकते हो 22/7, और रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, और मल्टीप्लाई जो इसके जो कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हाइट की प्रॉब्लम है इसमें, कि हाइट हम इसमें क्या लेंगे। तो अब हाइट देखो हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें पाई आर एल हमें स्लैंट हाइट चाहिए, यहाँ पे हमको नॉर्मल हाइट दी हुई है जो कि परपेंडिकुलर हाइट हो जिसको हम बोलते हैं, वो वाली हाइट गिवन है। तो हमने क्या करना है कि फाइंड करना पड़ेगा, तो
इसको फाइंड करने का मेथड होता है स्लेंट हाइट को रूट ऑफ एच स्केयर प्लस आर स्केयर कर देना होता है। तो देखो एच कितना है हमारे पास 24, 24 का अगर स्केयर करोगे तो आएगा 576 और जो रेडियस है वो है 7, 7 का स्केयर करोगे तो 49। तो एल हमारे पास कितना आ जाएगा 576 प्लस 49 आएगा 625 और ये जो इसका स्केयर रूट क्या होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने 25 सेंटीमीटर लिख देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो इससे आप कैंसिल कर दो, 22 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा देखो 25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, देन अगेन 50 आएगा तो ये आ गया 550। तो देखो ऑप्शन में है 550, तो सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0.2√5 −2√5.0। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपको इसके सलूशन की ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हैं 0.2√5 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है −2.2√5.0। अब हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ, तो ए भी हमने फाइंड करना है सपोज को। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 − x1, देखो ये x2 है ये x1 है, अगर इसमें से आप 0 को माइनस करोगे तो यही बचेगा, तो इसको आप क्या करोगे इसका स्केयर कर दो। और यहाँ पर भी देखो y2 जो है y2 में से अगर इसको माइनस करोगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। 0 में से माइनस करने पे पता है ना आपको ये कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ये देख लेना ये बहुत ईजी है। तो देखो 2 का स्केयर करोगे 4, रूट 5 का करोगे 5, यहाँ पे 2 का स्केयर करोगे 4 ये 5, तो कितना आ गया यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा 20 + 20 और ये हो जाएगा 40, और 40 का अगर हम स्केयर रूट निकालें तो 2 × 4, 4 × 8, कैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये बनेगी, तो इसका तो पेयर बन गया ये अंदर बचेगा तो क्या बनेगा 2√10, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग 0 − 2.3। तो चलो अब हम फोर्टीन्थ क्वेश्चन करते हैं। इस 14th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग 0 − 2/3 and 2/3, ठीक है। देखो हमें दो जीरोज़ दिए हुए हैं −2/3 and 2/3। अब हमने क्या करना है इसमें कि हमने इनका सम फाइंड करना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वो होती है ax² + bx + c, ठीक है, ये होती है। और जो सम ऑफ ज़ीरो होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है −b/a की रेशियो के इक्वल। और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, वो होता है c/a के इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसमें अब हमने करना क्या है, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनका सम फाइंड करेंगे, जो हमें जीरोस गिवन है −2/3 and +2/3। तो देखो अगर इनका सम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा −2/3 + 2/3। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो हम सेम रख लेंगे, एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो सेम आएगा 3, और −2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट इनका अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा −2/3 × 2/3, तो ये आ जाएगा −4/3, ठीक है, ये आ जाएगा −4/3। तो जो हमारे पास सम आया है वो आया है कितना −b/a के इक्वल रख दो जितना भी आया 0, और जो प्रोडक्ट आया वो c/a के इक्वल रख दो, और प्रोडक्ट हमारा आया है −4/3, ठीक है, तो −4/3। तो अब हमने करना क्या है, 0 मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1, सॉरी जो प्रोडक्ट आया था वो आया था −4/9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्शन कर दूं। हाँ देखो तो यहाँ पे आएगा −4/9। तो अब देखो हमने करना क्या, इसके डिनोमिनेटर को 9 बना सकते हैं 1, 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, और इसको भी 9 से करोगे न्यूमिनेटर को, तो
तो 0 × 9 करोगे तो 0 रहेगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें, ए की वैल्यू क्या आ गई 9 और बी की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ से सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू तो 9 आ गई। तो यहाँ से हम जो हमें वैल्यू चाहिए है, ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू 0 एंड सी इज़ इक्वल टू -4। तो इसको हम इस फॉर्म में रख देंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करो, बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, देखो 9x² और बी की वैल्यू 0 पुट करोगे ये टर्म इल्यूमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा क्या सिर्फ सी, तो सी की वैल्यू पुट कर दो -4। तो ये आ गया हमारे पास 9x² - 4। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें अगर लास्ट वाली ऑप्शन देखोगे ना डी, तो ये हो सकती है, क्योंकि देखो जो ये इक्वेशन है अंदर जो ब्रैकेट में ये तो सेम है, इसके साथ एक मल्टीपल तौर पे क्या लगाया हुआ है 5। तो अगर जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 5 तो पहले ही क्या होगा इससे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से और 5 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मल्टीपल हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास, हमारी इक्वेशन आ चुकी है 9x² - 4। तो ये वाली ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज और कोई आपको देखने में लगेगा कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट ये डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर क्लैरिटी ना हो, डाउट हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी हमें 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं इनको इसमें पुट करके देख लो, दोनों बार दोनों को अगर पुट करोगे आंसर 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, इसीलिए यही इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाकियों में आप पुट करके देखना 0 आंसर नहीं आएगा, दोनों 0 देंगे ही नहीं, रिमाइंडर 0 देंगे ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन देखो क्या, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। तो इसका मीन क्या होगा, देखो अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, जैसे मान लो x1 है, दूसरी वैल्यू कितनी है मान लो x2 है, इसकी वैल्यू कितनी है x3 है, अगर इसका मीन फाइंड करें तो मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे डिवाइड करते हैं। अगर मान लो कि मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, x1 + 3, x2 + 3, x3 + 3 ये कर दिया ऐड, और फिर भी इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें होगा क्या, देखो जब इसे ऐड करोगे x1 + x2 + x3 और 3 + 3 + 3 कितना होगा 9, ये हो जाएगा 9। देखो इसको तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, इसको भी तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं इसको जब 3 से डिवाइड करूँगा तो 3, तो जो पहले जो मीन आया था, पहले तो मीन यही था हमारे पास, ये देखो यहाँ पे, और उसमें प्लस 3 और ऐड हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना इंक्रीज होगा, वो 3 ही इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर आएगा बी। तो यानी कि जो इंक्रीज करने के बाद भी जो मीन आएगा वो कितना आएगा, इंक्रीज बाय 3 होकर ही आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह पे पी लिख रहा है वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट की जगह पे उसने क्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा 1 के। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन इज हेयर दिस वन। ए गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 1600 टिकट्स आर सोल्ड। देखो एक गर्ल्स ने कैलकुलेट की है अपनी विनिंग फर्स्ट प्राइज को, 0.08 प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितनी उसने देखा कि मेरी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट प्राइज की 0.08 है, और 16,000 टिकट्स टोटल बेचे गए हैं, तो हाउ मेनी टिकट्स हैज़ शी बाउट, तो उसने कितने, उस गर्ल ने कितने टिकट खरीदे होंगे। तो देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है कितनी 0.08, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बनेगा ये 8/100, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी अगर 16,000 टिकट में से अगर निकालें तो क्या होगा, 16,000 तो डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, और ऊपर यहाँ पे मान लो x है हमारे पास, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और x की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 68 जा कितना होगा 480, तो वेरी सिंपल 480 इसका आंसर आएगा, सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखो ना 18th क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम। देखो ग्रुप ऑफ 20 पीपल में से 5 तो जो हैं, 5 जो हैं वो स्विम नहीं कर सकते, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी ही शी कैन स्विम, तो क्या वो स्विम, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो स्विम कर सकता है या कर सकती है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 5 तो स्विम नहीं कर सकते तो कितने बचे, 15 बचे जो स्विम कर सकते हैं, तो 15/ क्या लिखेंगे 20, और इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो यह हो गया 3/4, तो ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से ये 18 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो हमारे पास होंगे
असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे देखो इन क्वेश्चन 19 एंड 20 एन असर्शन ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, बोथ असर्शन ए रीजन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर द ट्रू एंड रीजन। तो इसको आप पढ़ लो अच्छी तरह से, इस सारे चारों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आंसर होता है। जैसे देखो 19 क्वेश्चन है, उसने असर्शन क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी 0.2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद लाइन 3x + 2y। ठीक है, असर्शन तो इसका मेरे को सही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 0.2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। अब उसने कहा कि एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, पी 0.2। तो रीजन जो है ना, रीजन इसका वो क्लियर नहीं है। देखो तो इसका जो आंसर क्या आएगा इसमें से, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन, हाँ देखो रीजन वैसे तो देखो ये डिस्टेंस तो 2 यूनिट्स होगी, बट प्रॉपर इसने एक्सप्लेन नहीं किया इसको। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा बी, यस। देखो बोथ असर्शन ए रीजन, देखो असर्शन तो सही है एंड रीजन आर आर ट्रू, ये भी रीजन भी ट्रू है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका आंसर जो एग्जैक्टली आएगा क्या आएगा, बी आएगा। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट कम टू द 20th क्वेश्चन, असर्शन ए द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज रेशन नंबर। तो अब हम इसका पैरीमीटर फाइंड करके देखना पड़ेगा कि रेशन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमको हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने का मेथड होता है कि स्केयर ऑफ इट्स बेस, तो 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9, और स्केयर ऑफ प्लस स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर हाइट्स, तो 2 का स्केयर आएगा 4, और इसको अगर हम ऐड करें तो √13, और ये प्राइम नंबर है √13, और सॉरी जो 13 है वो प्राइम नंबर है, वो रूट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो ये तो स्टेटमेंट आप जो असर्शन है वो तो गलत हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। इसका रीजन चेक करते हैं, द सम ऑफ द स्केयर ऑफ 2 रेशन नंबर इज ऑलवेज रेशन नंबर। अब उसने बोला कि सम ऑफ द स्केयर ऑफ 2 रेशन नंबर, कोई भी 2 रेशन नंबर है उनका स्केयर का सम करोगे तो वो रेशन नंबर, ये ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट असर्शन इज फॉल्स। तो इसमें से अब चेक कर लेते हैं, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने जो कल की वीडियो और इस वीडियो को मिला के मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सेक्शन ए के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो ये सीबीएसई का। तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें बताएं कि और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।